वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग्स। साथी ताप्ती अर्जुन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और गाइज मैं हूं फिलहाल मुल्ताई रेलवे स्टेशन पर। आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूं मैं कहां पर हूं। जैसे कि टाइटल में भी आपने देख लिया होगा, मुल्ताई रेलवे स्टेशन से लाइव हैं हम लोग। और ऊपर चढ़कर मैं आपको एक बार पूरा नज़ारा भी दिखाऊंगा। और हमको जाना है प्लेटफॉर्म के उस तरफ और हमारे पूरे दर्शक भी हमें देख रहे हैं, तो हम ऊपर से चढ़ेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। गाइस पूरा हाल फिलहाल में एक बात मैं बता दूं कि हमारी माता श्री महोदया मतलब मम्मी आ रही है आमले से। ट्रेन आ चुकी है लगभग, तो हम मम्मी को लेने के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे ही चलते हैं। इसको इधर से भी दिखाते चलूँ, बीच में गाड़ी होने से काफ़ी फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। हम धीरे धीरे ही चलते हैं, बाकी ऊबर से देख लीजिए आप। हाँ हेलो, क्या नाम है आपका? जितेन साहू। जितेन कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? नहीं, ट्रेन से निकले आप। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी तो 3 पर आ रही है गाइस। ऊपर से नज़ारा भी एकदम धर्मेंद्र की मूवी वाला लगता है, यादों की बारात वाला। बारिश में एक नंबर का लगता है। हाँ बारिश में एक नंबर का लगता है। कहाँ आगे बैठे पीछे बैठे हो? आगे, आगे। अच्छा सूर्या दीदी आ रही? नहीं मम्मी आ रही, वो पीछे बैठे शायद। ठीक है ना गाइस, ट्रेन का नज़ारा तो आप देख ही लीजिए। ये हमारी दक्षिण, मम्मी को ढूंढना है हमको गाइस। मुझे नहीं मालूम कि मम्मी आगे बैठी है पीछे, बट भीड़ जो है वो तो यथावत ही है, खचाखच भरे हुए लोग हैं। काफ़ी आगे जाकर रुकने वाली है ट्रेन तो, मतलब ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये तो एंड बहुत जल्दी हो जाता है इधर ही। आपको अगर चढ़ना है तो इसके लिए ये समझ के चलिए कि आपको प्लेटफॉर्म से उतरना पड़ेगा आगे की तरफ अगर आपको दक्षिण में बैठना है तो। और आज ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इस पर आई है गाड़ी, वैसे इधर ही आती है आजकल। सी दक्षिण एक्सप्रेस हैदराबाद निज़ामुद्दीन, देखते हुए चलते हैं हम। कौन मिल रहा है कौन नहीं, सभी लोग मुल्ताई मतलब भोपाल से आई हुई है गाड़ी है गाइस, भोपाल साइड से बैतूल। और मम्मी जो है वो आमले से आई हुई है। देखते हैं हम लोग घूमते हुए चलते हैं। गाइस आज हरतालिका तीज भी बोलते हैं काजल तीज को। हम लोग थोड़ी देर पहले माँ ताप्ती तट से लाइव थे, मम्मी का कॉल आ गया तो मैं मम्मी को लेने के लिए यहाँ आ गया। अभी के जो 2-3 दिन हैं वो काफ़ी बिजी होने वाले हैं। जो विघ्नहर्ता गणेश भगवान हैं कल वो विराजित होने वाले हैं, तो आप सभी जिनके भी घर में गणेश जी बैठने वाले हैं वो सभी लोग अपने गणेश जी की फ़ोटो, सजा हुआ जो भी रूम होगा उसकी फ़ोटो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नाम के साथ, एड्रेस के साथ। और जो भी इसको बोले तो मम्मी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, देख ही रहा हूँ मैं गाइस, बात भी कर रहा हूँ, डबल माइंडेड हो गया काम। तो मैं कह रहा था कि आप लोग अपना जो भी गणेश जी की जो भी फ़ोटोज़ है वो हमें व्हाट्सएप करें, हम उसको अपने इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के जो होता है अबाउट सेक्शन उसमें सभी में चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना नाम एड्रेस उसमें ज़रूर लिखें ताकि ये पता हो कि आपकी खबर चल गई है। मम्मी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो पीछे तरफ बैठी है जहाँ तक, इसलिए हम लोग पीछे की तरफ आए हैं। और मैं बैक कैमरे से दिखा दूँ कि बैक कैमरे का नज़ारा जो है वो इस तरह से लगभग चल रहा है। अभी भी मुझे मम्मी तो नज़र ही नहीं आ रही है, अब कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के पहले मैं पूछ लेता हूँ नरेंद्र पटेल भाई साहब, इन्होंने नमस्कार का चिन्ह और 2 गुलाब के फूल भी भेज दिए। मम्मी दिख गई मुझे गाइस, तो मम्मी आ रही है, हम भी मम्मी के पास पहुँच ही गए हैं लगभग। और देखिए ट्रेन बिल्कुल भी नहीं निकली, इसलिए आप लोग कभी भी हड़बड़ाहट ना करें। मम्मी तो सामने दिख ही रही होगी आपको, सामान लेकर आते हुए नज़र आ जाएगी। तो देखिए आप
देखो दूर से हाय हेलो। अभी गाइस मेरे को लाइव एंड करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी आ गई हैं और हमें हमारा जो तो गाइस ये वाला वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मम्मी से सामान लेना है। अगले लाइव वीडियो में हम लोग एक बार फिर से कुछ अम्बेडकर चौक पर प्रशासन जो है थोड़ा सा लापरवाह है ऐसी खबर हमें अभी अभी पता लगी है, तो हम लोग वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था